छिंदवाड़ा पहुंचे प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सरकार से पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लाने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए देश के हालातों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आज के समय में जो देश के हालात हैं वह काफी असामान्य हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, हमारे आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके प्रति सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि भारत में एक कानून होना चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए समान हो, सरकार को कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहिए। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अलवर राजस्थान में 300 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस गर्भगृह में भगवान 300 साल से विराजमान है वह कितना जागृत स्थान होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ना स्वार्थ गलत है। इसी प्रकार उन्होंने खरगोन के सेंधवा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना की भी निंदा की। ठाकुर ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह से मंदिर तोड़े जाते हैं और उसी तरह से भारत में भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। यदि हमारे मंदिर इसी तरह तोड़े जाते रहे तो हम कहाँ पूजा करने जाएंगे? अभी जिनकी सरकार है वह हिंदू है क्या? आप एक पार्टी विशेष से अलग होने के नाते मंदिर तोड़ने का अधिकार है। आखिरी सांस तक धर्म के लिए लड़ूंगा। देवकी नंदन ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से यह संदेश देते हुए कहा कि जब तक उनके शरीर में सांसें हैं तब तक वे आखिरी सांस तक अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि अगर वह हिंदू है, सनातनी है, तो वह मेरा है। मैं चाहता हूं कि हम सबको अपने धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। हमको जो दिया है वो हम समझे, ये प्रयास मैं करूंगा और जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं ये प्रयास करता रहूंगा। और आप सब के माध्यम से, प्रदेश की सरकारों से और देश की सरकार से, क्योंकि हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया अगर सही दिशा में हम लोग जैसे आप लोग कर ही रहे कार्य, अपनी सभी खबरों को आप समाज को जागरूक करते हैं, इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से प्रदेशिक सरकारों को और देश की सरकारों को दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला, ईश निंदा करने वाले पर एक कानून बने। इस भारत में कोई भी ईश निंदा नहीं कर सकेगा, सनातन धर्म का, देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं कर सकेगा। ये कानून भारत में बनना चाहिए, हम भारत में रहते, पाकिस्तान में नहीं रहते। दूसरा, एक देश एक कानून। एक देश में 10 लोगों की व्यवस्था, किसी को 10 विवाह और किसी को एक विवाह की अनुमति नहीं हो सकती, किसी को 10 संतान किसी को एक संतान की अनुमति नहीं हो सकती, किसी के साथ ऐसे न्याय होगा किसी के साथ ऐसा। एक पे अगर कोई बात भी कह दे तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा और एक पे 50 केस हो तो भी उससे पूछताछ नहीं होगी। ऐसा के देश में कानून ना हो, हम देश की सरकार से, प्रदेशिक सरकारों से प्रार्थना करेंगे, एक देश एक कानून होना चाहिए, कॉमन कोर्ट हम सबके लिए होना चाहिए।